आपके समाज का, मेरे समाज का एक आदमी भारत के मीडिया में मुझे नहीं मिला। चार जगह जहां मैंने काम किया, कभी मेरे समाज का कोई आदमी नहीं मिला जो आपकी खबरों को प्रमुखता दे, आपके लोगों की बातों को दिखाए, आपके मुद्दों पर बात करे। इसलिए भारत के मीडिया को अपना मीडिया समझना बंद कर दीजिए। हमारे लोगों पर सवाल उठाते, अपने लोगों की मेरिट को भी देखिए कि कैसे आप इस देश को पाखंड में फंसाना चाहते हैं, आप इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, आप इस देश में जातियों में बंटवारा करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। आपको अगर ये लगता है कि आप अकेले क्रांति कर लेंगे तो पिछले 70 साल में क्यों नहीं क्रांति कर पाए। आपको अगर ये लगता है कि महिलाओं को घर में छोड़ के आप जो है समाज बदल लेंगे तो समाज नहीं बदलेगा। चारों अलग अलग कमरों में रहते हैं, सबकी जातियां अलग अलग होती हैं। एक ब्राह्मण दोस्त होता है, एक बनिया दोस्त होता है, एक ठाकुर दोस्त होता है और एक हमारा दलित बहुजन दोस्त होता है। हॉस्टल में रहते हैं, रात में जाग रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, रात में जागते हुए उनको भूख लगी और ये हुआ कि भाई भूख लगी, अभी क्या खाया जाए, कौन सा भोजन किया जाए। तो दोस्तों ने सलाह दी कि चलिए खीर बनाते हैं। कोई अपने घर से, अपने रूम से चावल ले आए, कोई दूध ले आए, कोई चीनी ले आए, कोई खोआ किशमिश ले आए और सब लोग मिलकर खीर बनाएंगे और फिर आपस में बांट के खाएंगे। तय हुआ, सभी लोगों ने मिलकर मेहनत करी, खीर बनाई, आग जलाई, सबने अपने हिस्से का काम किया और जब खीर बनकर तैयार हो गई तो चालाकी देखिए कैसे आपके हिस्से की खीर कोई खाता है। चालाकी करते हमारे ब्राह्मण दोस्त कहते हैं, देखिए खीर तो बनकर तैयार हो गई है लेकिन ये खीर जो है उसको खाने को मिलेगी जो रात में सबसे अच्छा सपना देखेगा, जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा उसी को खीर मिलेगी। इसलिए जल्दी जल्दी सो जाओ, अपने हिस्से का सपना देखो, सुबह उठ के बताना कि किसको खीर खाने को मिलेगी, किसको अच्छा सपना आया है, फिर हम तय करेंगे। सब लोग सो गए, जल्दी जल्दी उठे और उसके बाद ब्राह्मण साथी से पूछा गया, आप बताइए आपको कौन सा सपना आया, आपको खीर मिलेगी या नहीं, तय करते हैं। तो हमारे ब्राह्मण साथी कहते हैं, देखिए मेरे सपने में प्रभु राम और माता सीता आई थी, उन्होंने कहा कि बच्चा खीर तुमको खानी है, इसलिए सारी खीर मैं खाऊंगा, मैं इस खीर का हकदार हूँ। चालाकी देखिए कैसे आपकी बनाई हुई मेहनत की खीर को कोई खा रहा है कि मैं, मेरे राम और मेरी सीता ने मुझे आशीष दिया है कि खीर खानी है इसलिए मैं खाऊंगा। फिर बाकियों से पूछा गया, हमारे ठाकुर साथी से पूछा गया कि बताइए आपके सपने में कौन आया, तो उन्होंने कहा, थोड़ी थोड़ी चालाकी सीख लेते हमारे लोग भी, कि मेरे सपने में जो है प्रभु राम भी आए, माता सीता भी आई और लक्ष्मण जी भी आ गए और उन्होंने कहा कि खीर तो तुमको खानी है इसलिए सारी खीर मैं खाऊंगा, ये खीर मेरे हिस्से की है, तुम लोगों को खीर नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे बनिया साथी से पूछा गया कि भैया आप भी बता दो क्या देखा सपने में, तो जो है सपने में हमारे बनिया साथी देखते हैं वो कहते हैं, मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी भी आ गए और चारों ने कहा कि बच्चा खीर सिर्फ तुमको खानी है इसलिए सारी खीर मेरी है, तुम लोगों का खीर पे कोई हिस्सा नहीं है। तो हमारे जो दलित बहुजन साथी थे वो भी देख रहे थे, वो भी सपना देख के आए हैं। उनसे पूछा गया कि अच्छा बताइए आपके सपने में कौन आया, क्या सपना आपने देखा कि आपको खीर खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमारे दलित बहुजन साथी कहते हैं, मेरे सपने में रात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए थे, उन्होंने कहा हे मूर्ख उठ जा, सदियों से सो रहा है, तेरी खीर कोई और खा रहा है, इसलिए मैं रात में उठा और अपने हिस्से की खीर मैंने खा ली। इसलिए हमें खीर अपने हिस्से की खानी है, नींद को छोड़ दीजिए, जाग जाइए, आपकी खीर कोई और खा रहा है, उसको खाने नहीं देना है, चालाकी को समझना है। मुझे लगता है आपकी थोड़ी नींद टूटी होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन है और उस महानायक ने जो हमारे लिए काम किया कि आज मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जो कहीं पे खेतों में काम करता था, जिसके माता पिता चपरासी की नौकरी करते रहे, जिसके दादा चमड़े की झुकियां छीलते थे, उन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के काम ने, उनकी मेहनत ने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाके जोर से हिम्मत से जय भीम बोलते हैं। ये हिम्मत हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी है, उन्होंने हमें बनाया है, इसलिए उनका जन्मदिन मनाना, उनकी जयंती मनाना मेरे लिए गर्व की बात है। और हरियाणा वालों के लिए तो बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि हरियाणा आया कहता समझ में ही नहीं आता कि खीर कौन खा गया,
मैं भी हरियाणवी हूँ, रहूं यूपी में हूँ, पर तो हरियाणवी बोलने का जी कर रहा था रे आगे बोला हरियाणवी वाला ने तो बेरा ही नहीं पाटता कि उनकी खीर कौन खा गया। लागे रहे से फालतू में उल्टे सीधे काम करन, कोई डेरे कैन भाज रहा, कोई मंदिर कैन भाज रहा, कोई जागरण करवा रहा, कोई जो है सत्यनारायण की कथा करवा रहा, कोई कलश यात्रा निकाल रहा, और इनको पता ही नहीं इनके हिस्से की खीर खाने वाले जो लोग हैं इनके बच्चों का आरक्षण खा गए, इनके बच्चों की शिक्षा खा गए, इनकी नौकरियां खा गए, इनके हिस्से की धन दौलत खा गए और कब्जा करके कुंडली मार के बैठ गए। हरियाणा वालों को जागना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, इसलिए सारे के सारे तैयार हो लो, हरियाणा आओ, अपना हक लेकर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक अपनी हक अपने बालका के भविष्य में सुधार नहीं लेते, जब तक हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे पुरखे नहीं हटे, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं हटे, जिनके लिए इतनी सारी मुश्किलें पैदा की गई, जिनके सामने तमाम चुनौतियां पैदा की गई, लेकिन वो हटे नहीं। हमारे लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक जेंटल पुश चाहिए, और उसके बाद हमारे लोग जिस तरह से अपने आप को साबित करते हैं उसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। हमारे बाबा साहब को क्लासरूम से बाहर बैठने का मौका मिला, उनको क्लास में अंदर बैठने का भी मौका नहीं मिला कि टेबल जो सिखाई जा रही थी, जो चीजें सिखाई जा रही थी ब्लैक बोर्ड पे, उसको वो ध्यान से देख सकते। क्लास के बाहर बैठने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी बन गए। तो सिर्फ एक मौके की जरूरत है, सिर्फ एक चांस की जरूरत है, हमारे लोग अपने आप को साबित करते हैं। हमारी बहन बैठी है यहाँ पर प्रिया मेघवाल, एक कवि हुए हैं तुलसीदास दुबे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी ये लिख के गए हैं। आज होते तो हमारी बहन प्रिया को देखते और इस पोडियम पे अपना माथा पटक लेते, यहाँ पर जो है उनको मिर्गी आ जाती, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते कि देखिए हमारे जो लोग हैं, जो ताकत है, जो उनके प्रतिभा है, वो छुपाई छुपेगी नहीं। तो हमें अपने लोगों को, अपने लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और बहन प्रिया जैसे जो लोग हैं, मैडम सुमेधा जैसे जो लोग हैं, हमें अपनी महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं किसी समाज की प्रगति को, तरक्की को इस बात से आता हूँ कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। हमारे लोग जो है उठ के आ जाते हैं कि वो काडर कैंप में जा रहे हैं, वो किसी जयंती कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी और जगह पे कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं को घर में ही छोड़ आते हैं। आपको अगर ये लगता है कि आप अकेले क्रांति कर लेंगे तो पिछले 70 साल में क्यों नहीं क्रांति कर पाए। आपको अगर ये लगता है कि महिलाओं को घर में छोड़ के आप जो है समाज बदल लेंगे, तो समाज नहीं बदलेगा जब तक आधी आबादी को आप अपने साथ नहीं लाते हैं, जब तक उनको हिस्सेदार नहीं बनाते हैं, जब तक उनको इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं करते हैं, अपने पुरखों के विचार से उनको अवगत नहीं कराते हैं, तब तक वो डेरों में जाएंगी, तब तक वो कलश यात्राएं करेंगी, तब तक वो बाबाओं के चंगुल में जाएंगी, तब तक वो अंधविश्वास में फंसेंगी। इसलिए जिम्मेदार आप लोग हैं, अगर अपने घर की महिलाओं को आप जागरूक नहीं कर पाते तो हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारी वजह से ऐसा है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ हरियाणवी में कह दूं, बोला भाई मैं तो मान गया पर घराली को नहीं मानती, वो ला गिरा है बाबा के चक्रा में। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने महिलाओं को बराबरी के साथ में, लैंगिक समानता के साथ में, जेंडर जस्टिस के साथ में उनको साथ रखें और उनको सिखाएं। अगर उनको कोई चीज अभी समझ में नहीं आ रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समझाएं और अपने पुरखों से सीखिए। एक परंपरा जो कहती है मैं तो फकीर हूं झोला उठाकर चला जाऊंगा, ऐसी एक परंपरा है कि जो घर छोड़ने को, जिम्मेदारियों को छोड़ने को, अपने आप को सन्यासी बना के दूसरी चीजों में लगा देने को बड़ा सेलिब्रेट करती है, बड़ा उसको महान बताया जाता है कि कितने बड़े आदमी सन्यासी बन गए। और एक तरफ हमारे लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं, जो शर्मन परंपरा के लोग हैं, जो कमा के खाते हैं पर जीवी लोग नहीं है, किसी और पर नहीं जीते। हमारे आप संत रविदास को देखिए, जूते चप्पल बनाने का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, मांग के नहीं खा रहे, मेहनत कश तबके के लोग हैं, और आपको एक ऐसे समाज की कल्पना देके जाते हैं जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। संत रविदास क्या कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अनको अन, छोट बड़े सब सम बसे, रहदास रहे प्रसन्न। तो ऐसे समाज की कल्पना हमारा आदमी करता है, वो भी मेहनत करते हुए, वो भी अपने हिस्से का काम करते हुए, मांग के नहीं खाने वाले।
आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखिए, माता सावित्रीबाई फुले को देखिए, परिवार को संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने समाज में सबसे ज्यादा काम करके दिखाया। इसीलिए आज हमारी महिलाएं जो है इतनी तरक्कियां छू रही हैं, आसमान को नाप रही हैं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए गोबर का छीटा झेला, उन पर गोबर फेंका गया, उन पर पत्थर फेंके गए, उनको तमाम तरीके से प्रताड़ित किया गया। लेकिन हमारी माता सावित्रीबाई फुले नहीं रुकी, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं रुके और वो अपना काम करते रहे। उनको पता था कि हमारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज है, शिक्षा। अगर उनको शिक्षित कर दिया जाएगा तो इन तमाम चीजों से हमारे लोग अपने आप पार पा जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहे और उनको आप याद कीजिए, माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को। और प्रिया जी की तरफ देखिए कि वो जो बीज बोकर गए थे, जो शुरुआत उन्होंने क्रांति की थी, आज वो मशाल बनकर हमारे बीच में है। हमारे लोग जो काम करके गए थे, आज हम सब उसका फल ले रहे हैं। सब लोग हम मौज में रहते हैं, तमाम तरीके के ऐशो आराम में रहते हैं। तुम्हारे पुरखों ने काम किया है, घर छोड़ के झोला उठा के नहीं चले गए कि मैं तो चला जाऊंगा, झोला उठा के हमारे लोग मेहनत करने वाले लोग थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, माता रमाई तमाम तरीके की पीड़ा झेलते हुए, तमाम तरीके की विकट हालातों में रहते हुए अपने हिस्से का काम कर रहे थे। माता रमाई जो है गोबर के उपले बनाकर बेचती थी, घर चलाती थी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो लेटर लिखते हैं लंदन से उनके लिए, वो लेटर पढ़िए, आंखों से आंसू निकलेंगे। किस तरह से वो माता रमाई के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते हैं, बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं कर पाया, कभी तुमको अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, कभी जो एक पत्नी की इच्छाएं होती है उनको पूरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे समाज के लोगों के लिए काम करना था, मुझे मेरे समाज के बच्चों के लिए काम करना था, इसलिए मैंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। आखिरी बच्चा मेरा बचा हुआ, उसका ख्याल रखना, पतले का ख्याल रखना। आंखों से आंसू बहते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के। परिवारवादी लोग हैं, परिवार को चलाने वाले लोग हैं, अपने लोगों के लिए तन मन धन से इमोशनल लोग हैं। इसलिए हमारे लोग झोला उठा के नहीं जाते, हमारे लोग फकीर परंपरा के लोग नहीं है, हमारे लोग मांग के खाने वाले लोग नहीं है कि वो बोल दे भिक्षाम देही, हमारे लोग ऐसा नहीं करते। हमारे लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, तमाम तरीके के रोजगार कर लेते हैं, तमाम तरीके की मेहनत करते हैं, अपने मेहनत के दम पर खाते हैं, परजीवी लोग नहीं है। इसलिए अपने समाज के लोगों के लिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि इस देश को बनाने में, इस देश को बेहतर बनाने में, इस देश के राष्ट्र निर्माण में, इस देश के संविधान का पालन करने में हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मानस संतानें, हमारे बहुजन समाज के लोग सबसे आगे हैं। आपको ब्राह्मणवादियों में और अम्बेडकरवादियों में फर्क समझना हो ना, अगर आप समझते हैं कि अम्बेडकरवादियों में और ब्राह्मणवादियों में फर्क क्या है तो दो उदाहरण आप देख लीजिए। रामनवमी का जुलूस निकलता है, हाथों में तलवार त्रिशूल लेकर निकलते हैं, जगह जगह दंगे होते हैं, जगह जगह हिंसा होती है, और हमारी अम्बेडकर जयंती पर जब रैलियां झांकियां निकलती हैं, भारत का संविधान हाथ में होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर हाथ में होती है, कोई जगह बता दो जहां हिंसा हुई हो, एक जगह बता दो जहां कानून का उल्लंघन हुआ हो। ये अम्बेडकरवादियों की ताकत है। जब हम आंदोलन करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हाथ में रखते हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें अपने लोगों पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने लोगों की टांग खिंचाई करने से बचना चाहिए। इन दिनों मैं जहां जाता हूं ये बात जरूर कहता हूं कि हमारे जो लोग हैं वो एक दूसरे की इतनी ज्यादा टांग खिंचाई करने लगते हैं कि ये कम अम्बेडकरवादी है, ये थोड़ा सा ज्यादा अम्बेडकरवादी है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव उससे कहते हैं कि वो 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी ढूंढते हैं, 22 कैरेट का अम्बेडकरवादी उनको नहीं चाहिए। मिलावटी आरोप लगते हैं, कहेंगे कि ये तो समाज का गद्दार है। हमारे व्यक्ति अगर अम्बेडकरवाद की राह पर चलना शुरू कर रहे हैं तो आप उन्हें सम्मान से बात कीजिए। वो भले ही आज कम समझ रहा होगा अम्बेडकरवाद को, एक दिन आएगा कि वो समझेगा, लेकिन जिस दिन आप उसको गाली देते हैं, जिस दिन आप उसका अपमान करते हैं, वो अपने समाज से, आपके लोगों से दूर हो जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों से प्यार से बात करें, उनके हौसला अफजाई करें। हर कोई अम्बेडकरवादी पैदा नहीं होता, अम्बेडकरवादी बनते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं, अपने विचारकों से मिलते हैं, अपनी सदियों की परंपरा को समझते हैं, तब जाके अम्बेडकरवादी बनते हैं। एक वक्त था जब मैं किसी मंदिर में घंटी बजाता था, हवन कीर्तन करता था, अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा मैंने धार्मिक चीजों में लगा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब पढ़ा समझे तो हाथ में जो ओम लिखवाया था वहां बुद्ध की प्रतिमा आ गई। तो ओम से बुद्ध का सफर हम लोग तय करते हैं, राम से बुद्ध का सफर तय करते हैं। वक्त लगता है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, समय लगता है। जिस तरह तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिस दिन हमारे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिस दिन वो एनलाइटन हो जाएंगे, उनको समझ
समझ आ जाएगा कि उनके हिस्से की खीर कौन खा रहा है, कौन उनकी मेहनत को चुरा रहा है। उस दिन हमारे लोग भी जो है मुखर हो जाएंगे, विरोध करेंगे, रास्ते पर आ जाएंगे। इसलिए हमें अपने लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको गालियां देनी चाहिए। आपको याद होगा बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ, उनके बलात्कारियों को बाहर छोड़ दिया गया, कहा गया कि संस्कारी ब्राह्मण है, उनके अच्छे संस्कार थे इसलिए छोड़ देते हैं। हाथरस में केस हुआ, उसकी पंचायत जो है आरोपियों के पक्ष में पंचायत कर रहे हैं, अपने लोगों का जो है वो बचाव कर रहे हैं। आप सोचिए, वो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, वो अपराधियों के साथ खड़े हैं, वो हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या आप और मैं अपने समाज के पीड़ित लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते? क्या हम अपने समाज के पीड़ित लोगों के साथ खड़े नहीं होने चाहिए? वो बलात्कारियों का बचाव कर रहे हैं, तो हम कम से कम अपने पीड़ित समाज के साथ में अपने लोगों के साथ खड़े होने चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें। मैं चूंकि जर्नलिज्म से जुड़ा हूं, तो आखिरी बात जर्नलिज्म पर कहता हुआ चला जाता हूं कि मैं भारत के अलग अलग मीडिया स्कूलों में पढ़ाई की, बड़े मीडिया स्कूल से पढ़ाई की और अलग अलग चैनलों में काम किया। आपके समाज का, मेरे समाज का एक आदमी भारत के मीडिया में मुझे नहीं मिला। चार जगह जहां मैंने काम किया, कभी मेरे समाज का कोई आदमी नहीं मिला जो आपकी खबरों को प्रमुखता दे, आपके लोगों की बातों को दिखाए, आपके मुद्दों पर बात करे। इसलिए भारत के मीडिया को अपना मीडिया समझना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि भारत का मीडिया जो इस देश को बर्बाद कर रहा है, आपको लगता है? हाथ उठा के बताइए, लगता है कि देश का मीडिया बर्बाद कर रहा है, इस देश के लोगों में नुकसान कर रहा है, संविधान की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, भारत का मीडिया नुकसान कर रहा है, आपको लगता है? अब आपको गर्व होना चाहिए कि ये नुकसान करने में, इस देश को बर्बाद करने में हमारे समाज का एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि भारत का मीडिया 99% सवर्ण लोगों के कंट्रोल में है। चंद जातियों के लोग भारत के मीडिया घरानों को चलाते हैं, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाते हैं, जो इस देश में एजेंडा भटकाते हैं, जो लोगों के जहन में नफरत फैलाते हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मेरे समाज का एक आदमी रिपोर्टर नहीं है, एंकर नहीं है, एडिटर नहीं है, किसी भी बड़े चैनल का मालिक नहीं है। इसलिए मेरे देश के जो लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, वो इस देश को खराब नहीं कर रहे, आपके लोग कर रहे हैं। आप अपने लोगों की गिरेबान पकड़िए, आप उनसे सवाल पूछिए कि क्यों इस देश को आप जो बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लोगों पर लांछन लगाना बंद कर दीजिए। इसलिए आपसे अपील है कि भारत के मीडिया को जब आप देखें, तो उसके जातिवादी चरित्र को भी देखिए कि कौन है जो आपके जहर फैला रहा है, कौन नफरत भड़का रहा है, कौन आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, कौन जो है ये चाहता है कि आप जो है तमाशे में ही लगे रहे, आपको सुबह सुबह तारे सितारे दिखा दे, आपको सुबह भाग्यवाद में फंसा दे और कह दे कि आप जो है वहाँ तेल चढ़ा दीजिए, वहाँ पे फूल चढ़ा दीजिए, वो दाल चढ़ा दीजिए, उसको ये कर लीजिए, आपको भाग्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपको धन मिल जाएगा। वो चाहते ही है कि हम उन चीजों में फंसे रहे, हम पाखंड में फंसे रहे, कभी वैज्ञानिक चेतना हमारे अंदर ना आए। वो कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं यहाँ बैठ के जो है ऊपर गोलों को इधर उधर कर देते हैं, तारों को इधर कर देते हैं, नक्षत्रों को बदल देते हैं, तो फिर बताइए भारत सरकार 500-500 करोड़ के चंद्रयान मंगलयान क्यों भेज रही है, क्यों 500-500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है? आपके लोग जो है वो यहाँ से मंत्र मार के बता दें कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है, कौन से ग्रह पे खनिज है, कौन से ग्रह पे जो है वहाँ पर जीवन मिल रहा है, कौन से ग्रह पर जो है अच्छी आपके लिए वायुमंडल है, आप भेज दीजिए हमारे लोगों को। क्यों इतना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं? आप में शक्तियां हैं तो बताइए ना कि कहाँ चोरी होने वाली है, आप चोर को पहले पकड़वाइए। आप में शक्तियां हैं तो बताइए कि किस महिला के साथ अपराध होने वाला है, पुलिस को फोन कर दीजिए, पहले पुलिस पहुंच जाएगी। आप में शक्तियां हैं तो बताइए कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ पे आपदा आने वाली है, कहाँ प्राकृतिक आपदा आने वाली है, आपकी मेरिट कहाँ चली गई? जो एक वक्त था जब आप हमारे लोगों को जादू टोने का, एक श्राप देने का भरम दे देते कि श्राप दे दूंगा, तुमको कुत्ता बना दूंगा, गधा बना दूंगा, भस्म कर दूंगा, आज आपकी शक्तियां कहाँ चली गई? क्यों? क्योंकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया, आपकी सारी पाखंडी शक्तियां चली गई। बाबा साहब ने एक कलम से, एक संविधान से सारे पाखंड को दूर कर दिया, इसलिए आज आपकी शक्तियां काम नहीं करती। आप कहते हैं आपका पुष्पक विमान जो है वो बिना तेल के उड़ा करता था, वो जाता था बिना तेल पानी के चलता था, आज कहाँ चला गया? ले आइए ना, आप जो है 100 रुपए यहाँ पे सीएनजी कर दिया है, 110 रुपए पेट्रोल हो गया है, आप लेके आइए उस पुष्पक विमान को जिसमें हम लोग भी बैठेंगे, उड़ जाएंगे, ना तेल चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना सीएनजी चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम भी मौज करेंगे। उस तकनीक को ले आइए और बताइए आपकी मेरिट कहाँ है। हमारे लोगों पर सवाल उठाते, अपने लोगों की मेरिट को भी देखिए कि कैसे आप इस देश को
पाखंड में फंसाना चाहते हैं, आप इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, आप इस देश में जातियों में बंटवारा करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, समानता के साथ लोग रहे। और जिस देश की प्रबुद्ध भारत की कल्पना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं, संत रविदास जिस बेगमपुरा की कल्पना करते हैं, जहां पर समतामूलक समाज होगा, जहां कोई भेदभाव नहीं, सब भाईचारा बहनचारा के साथ रहेंगे, सब लोग मिलकर रहेंगे, उस समाज को आप बनाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ये देश इसी तरह से बटा रहे, आप ऐश करते रहे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने आखिरी सांस तक अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने की कसम लेकर चले हैं। हम इसको बचाएंगे, अपना हक अधिकार आपको नहीं सौंपेंगे, लड़ते रहेंगे। सदियों पुरानी लड़ाई है, हमारे लोग लड़ते रहे हैं, मरते रहे हैं, हम भी लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। यही मेरी आपसे अपील है कि जागिए, नींद से जागिए, अपने हिस्से की खीर खाइए, पहचानिए कौन आपकी खीर खा रहा है, अपने लोगों को हौसला दीजिए और उनका साथ दीजिए। ये हमारी धरती है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया मुल्क है, वो हमारे राष्ट्र निर्माता है, उनके सपनों को सच करना हम सबकी जिम्मेदारी है।